गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये है आपका मॉड्यूल 4 का क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे प्लस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग पूछी है यूजिंग मेंबर फंक्शन एंड फ्रेंड फंक्शन। अब इस वीडियो में हम स्पेसिफाई करेंगे कि मेंबर फंक्शन के थ्रू भी आप करके बताइए और फ्रेंड फंक्शन के थ्रू भी आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग करके बताइए। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब भी आप बाइनरी ऑपरेटर्स की ओवरलोडिंग करेंगे, अगर आपने मेंबर फंक्शन के थ्रू की तो आपको एक आर्गुमेंट पास करना होगा, और अगर आप फ्रेंड फंक्शन के थ्रू करते हो तो आपको दो आर्गुमेंट पास करने होंगे। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। देखते हैं कि किस तरह से आपका होगा। सबसे पहले आपने हेडर फाइल्स ली, दो हेडर फाइल्स रहेंगी, ओके, हैश इंक्लूड iostream.h। ये हेडर फाइल मैंने इसलिए ली है ताकि मैं सी आउट और सी इन को यूज़ कर सकूं। ये दूसरी हेडर फाइल है, डेट इज़ conio.h, जो कि आपके गेट सी एच के लिए यूज़ होगी। अब सबसे पहले मैं जो प्रोग्राम बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन। दो आपके पास नंबर होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या ज़रूरी है? रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ओके। तो सबसे पहले मैंने क्लास बनाई, क्लास का नाम लिखा मैंने कॉम्प्लेक्स। अब सबसे पहली चीज़, मुझे ये पता लग गया कि डेटा टाइप कितने चाहिए, डेटा मेंबर्स कितने चाहिए। दो लेने हैं तो मैं लिए रियल एंड इमेजिनरी, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? जब मुझे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम करना है तो डेफिनेटली मुझे दो इनपुट लेने पड़ेंगे। तो इनपुट लेते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं void set data नाम से, जिसके अंदर लिया मैंने int r int i, रियल की वैल्यू मैं असाइन करूंगा r एंड इमेजिनरी की वैल्यू मैं असाइन करूंगा i, ओके फाइन। यानी कि यहां तक मेरा इनपुट आ गया सेट डेटा के थ्रू। नेक्स्ट क्या होना चाहिए? शो कि किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स को, 2 + i 3, फाइन। तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? एक आपने फंक्शन बनाया void show, ओके, यहां लिखा आपने सी आउट रियल की वैल्यू, ओके। तो रियल की वैल्यू अगर 2 है तो 2 ये एज इट इज प्रिंट करना है, तो आपने लिखा प्लस j एंड देन इमेजिनरी की वैल्यू 3 इमेजिनरी एंड देन एंड l लाइन चेंज के लिए, ओके। ये शो समझ में आया? सबसे पहले रियल की वैल्यू, देन ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा प्लस आयोटा एंड देन इमेजिनरी की वैल्यू, और लाइन चेंज करने के लिए मैंने लिख दिया ऑपरेटर एंड l। अब देखिए मुझे क्या करना है, दो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट का सम करके तीसरे में पुट करना है। यानी कि ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है एंड ये भी ऑब्जेक्ट है, इसके रियल और इसके रियल सम होके इसके रियल में आ जाए, और इसका इमेजिनरी और इसका इमेजिनरी सम होके इसके इमेजिनरी में आ जाए। तो अब मैं बनाऊंगा सबसे पहले ऑपरेटर फंक्शन। ऑपरेटर फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले आता है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या होगा? वर्ड होगा, इंट होगा या क्लास होगी। यहां पता लग रहा है कि ऑब्जेक्ट में रिटर्न कराना है, तो यानी कि ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट का टाइप क्या होता है? जो क्लास का नाम होता है। तो लिख दिया मैंने कॉम्प्लेक्स, ओके। देन क्या आता है? ऑपरेटर कीवर्ड, ऑपरेटर कीवर्ड। देन किस ऑपरेटर की करनी है? प्लस की। नेक्स्ट, अब यहां पर आर्ग्यूमेंट आएंगे। मैंने अभी बताया कि मेंबर फंक्शन के केस में एक ही आर्ग्यूमेंट पास करना होगा, तो एक ही आर्गुमेंट पास करना होगा तो कर दीजिए कॉम्प्लेक्स सी। अब ये क्या है? देखिए जब भी हम मेंबर फंक्शन के थ्रू ऑपरेटर ओवरलोडिंग करेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपका इम्प्लिसिट पास होगा, और इस ऑब्जेक्ट को आपने एक्सप्लिसिट पास किया है, फाइन। वापस से बताता हूं, ये जो ऑब्जेक्ट है जब हम मेंबर फंक्शन के थ्रू बाइनरी ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इम्प्लिसिट पास होगा, इसको पास करने की जरूरत नहीं है। ये ऑब्जेक्ट को आपको पास करने की जरूरत है, तो ये ऑब्जेक्ट पास होकर किस में कॉपी हो जाएगा? सी के अंदर, फाइन।
अब मैंने क्या किया, एक टेम्प नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। अब क्या किया मैंने, टेम्प के रियल में मैंने कॉपी किया रियल प्लस सी डॉट रियल, और टेम्प के इमेजिनरी में मैंने कॉपी किया इमेजिनरी प्लस सी डॉट इमेजिनरी और रिटर्न कर दिया टेम्प। अब इसी को देखेंगे किस तरह से। इसमें देखिएगा जो ये रियल है ये तो है सी वन का, और ये सी डॉट रियल है ये किसका है, सी टू का। क्यों? क्योंकि ये तो इम्प्लिसिट पास हो जाता है, यानी कि इम्प्लिसिट पास हो जाता है, इसके जो मेंबर्स हैं इनको आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। और ये सी टू है ये पास करके किसमें कॉपी कर दिया आपने, सी के अंदर, तो इसको मैंने ऐसे एक्सेस कर लिया और यहां पर मेरी क्लास हो गई खत्म। फाइन, अब मैंने क्या किया वॉइड मेन, इसके अंदर मैंने तीन ऑब्जेक्ट बनाए कॉम्प्लेक्स सी वन सी टू एंड सी थ्री। सी वन डॉट सेट किया, इसके अंदर मैंने पास किया वन टू। सी टू डॉट सेट किया, इसके अंदर पास का टू फोर। ओके, देन सी थ्री इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एंड सी वन डॉट शो सी टू डॉट शो, अभी देखते हैं इसको, एंड सी थ्री डॉट शो गेट सी एच। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं वर्ड मेन से। कितने ऑब्जेक्ट बनाए आपने, तीन, C1, C2, C3, ओके, C1, C2 एंड C3। इसके अंदर भी रियल इमेजिनरी होगा, इसके अंदर भी रियल इमेजिनरी होगा, इसके अंदर भी रियल इमेजिनरी होगा। C1 डॉट सेट डेटा इस पर जाएगा, R की वैल्यू कितनी हो गई 1, I की वैल्यू कितनी हो गई 2, रियल की वैल्यू कितनी हो गई 1, इमेजिनरी की वैल्यू हो गई 2, यानी कि C1 का रियल हो गया 1, 2, ओके। C2 ने कॉल किया सेट डेटा को, रियल की वैल्यू कितनी हो गई 2 एंड इमेजिनरी की वैल्यू हो गई 4, 2 एंड 4, ओके। अब क्या हुआ, यहां पर आइए, C3 इक्वल टू C1 प्लस C2, तो मैंने अभी बताया कि C1 जो है वो डायरेक्ट एक्सेस करेंगे और C2 कॉपी होगा किसके अंदर, C के अंदर, तो यानी कि C2 की वैल्यू कॉपी हो गई किसके अंदर, C के अंदर, रियल एंड इमेजिनरी 2 एंड 4, फाइन। अब मैंने एक और वेरिएबल बनाया टेम्प नाम से, टेम्प, इसके अंदर भी रियल एंड इमेजिनरी होगा। टेम्प के रियल में क्या आ जाए, रियल प्लस सी डॉट रियल। रियल क्या है, किसका है, सी वन का या सी टू का, सी वन का, क्योंकि ये इंप्लिसिट पास हो रहा है, वन प्लस टू थ्री। टेम्प के इमेजिनरी में इमेजिनरी प्लस सी डॉट इमेजिनरी, टू प्लस फोर सिक्स, ओके। अब इसके मैंने टेम को रिटर्न कर दिया, टेम को रिटर्न करके किसके अंदर कॉपी कर दिया, सी थ्री के अंदर, डेट इज थ्री एंड सिक्स। तो सी वन डॉट शो की वैल्यू कितनी आएगी, वन प्लस जे टू, सी टू की वैल्यू कितनी होगी, टू प्लस जे फोर, और सी थ्री की वैल्यू कितनी होगी, थ्री प्लस जे सिक्स। ये तो था आपका मेंबर फंक्शन के थ्रू। अगर इसको मैं फ्रेंड फंक्शन के थ्रू बनाता तो किस तरह से बनाता, जरा देखिएगा। फ्रेंड फंक्शन के थ्रू बनाता, बस थोड़ा सा चेंज होता, वो मैंने कर दिया। कैसे, मैंने आपको बताया कि जब भी फ्रेंड फंक्शन के थ्रू बाइनरी ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करेंगे तो आपको दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लिसिट पास करना होगा, यानी इस ऑब्जेक्ट को भी एक्सप्लिसिट पास करना होगा, इस ऑब्जेक्ट को भी एक्सप्लिसिट पास करना होगा। जो सी वन है, C1 किसके अंदर कॉपी हो गया, D के अंदर, और C2 किसके अंदर कॉपी हो गया, C के अंदर। तो देखिएगा, ये D, I इक्वल टू कितना हो गया 1, और रियल वैल्यू कितनी हो गई 2। अगेन टेम्प के रियल में क्या आ जाए, D का रियल क्या है 1, ओके, D का रियल कितना है, रियल कितना है 1, और C का रियल कितना है 2, टेम्प का रियल में हो जाए 3, ओके। डी का रियल या रियल आएगा, डी का रियल प्लस इमेजिनरी,
डी का इमेजिनरी प्लस सी का इमेजिनरी, डी का इमेजिनरी क्या है 2 और सी का इमेजिनरी क्या है 4, 2 प्लस 4 कितना होगा 6, टेम्प, ये टेम्प होके बाकी फंक्शनलिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं। बस इतना याद रखिएगा, जब भी हम मेंबर फंक्शन के थ्रू ऑपरेटर ओवरलोडिंग करेंगे तो एक आर्गुमेंट पास होगा, और जब भी हम फ्रेंड फंक्शन के थ्रू ऑपरेटर ओवरलोडिंग करेंगे बाइनरी के केस में तो आपके दो आर्गुमेंट पास हो जाएंगे। इस तरह इस एग्जांपल के थ्रू किस तरह से हम बाइनरी ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेंबर फंक्शन और विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड फंक्शन, ये क्लियर हो गया। थैंक यू।